क्या है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और हमारा हो गया है नाश्ता। मैंने बनाई थी आज पकौड़े बनाए थे, जो कि हमने सॉस के साथ खाए और साथ में चाय पी। बच्चों ने सिंपल पकौड़े और सॉस, मतलब सॉस के साथ खाया। और आज संडे है तो बच्चे घर ही हैं, उनके बाल कटवा के लाए आज। और आप सही लग रहे हैं, थोड़ा बाल पहले तो बहुत, मतलब पीछे से बेकार बेकार से हो रहे थे, अब सही हो रहे हैं कटवा के। और अब है थोड़े टाइम बाद बच्चों के एग्जाम स्टार्ट, सिलेबस टाइम टेबल सब आ गया है। पढ़ाई करो, पीछे दिन शुरू सुबह से लगे हैं, कोई पढ़ने का नाम नहीं है बच्चों का। बस थोड़ी देर कॉपी लेके बैठ गए, हो गया। और आयुष देखा भी है, आयुष यू भी पकौड़ी खा रहा है। हेलो बोल दो। हेलो बोलो, कैसे आप सभी? नमस्कार, सभी ठीक होंगे? नमस्कार यू भी, नमस्कार बोलो। प्रणाम और आज भी थोड़ी मम्मी के चैनल को सपोर्ट करिएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। सो गाइस आप भी सपोर्ट कर सकते हैं और फिर सपोर्ट करेंगे मेरे चैनल को। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, आप भी बोलोगे? अच्छा यूपी भी बोल रहा है, बोलो। नहीं आप ऐसे बोलो पहले। हेलो गाइस, मैं पकौड़े खा रहा हूँ। तो आज हमने बाल कटवाए हैं, आज इनने बाल कटवाए हैं बाल। आज मैंने बाल कटवाए तो फिर मैंने, मैं आज ना घर, आज छुट्टी स्कूल की, तो फिर आज संडे है, आज संडे तो फिर मैं आज स्कूल नहीं गया हूँ। तो फिर अब हम पढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे बढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ोगे अब? आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे बोलो। और मौसम हो रहा है सुहाना, कहने का मतलब है हल्की धूप, हल्की धूप है और हल्के से बादल है। और जो कि हो रहा है, हमारी टैंकी में पानी खत्म तो मोटर चलाना हम भूल गए थे, और अभी चलाइए। वैसे अगर ऊपर सिंटेक्स भरेगा तो उसके बाद मैं कपड़े धोऊंगी। बज गया हमारा यहाँ 11, हमारे वाक्य सभी के वहाँ 11 बज गया होगा। और अभी हुआ है 10-15 मिनट पहले हमारा नाश्ता, तो देखते हैं खाना दिन का किसने तक करते हैं। और आज संडे है, कल भी बच्चों की छुट्टी है, बड़े वाले का आयुष की तो कल हाफ डे है, मतलब 7:45 से स्कूल लगेगा तो 10:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। आयुष 10:30 बजे, अच्छा 10:15 बजे आयुष की छुट्टी हो जाएगी। और यूवी की तो कल छुट्टी है, मेरे कल भी छुट्टी है। हाँ यूवी की कल छुट्टी है, यूवी खुश हो गया। तो पकौड़े खा लो, बोलो बोलो आप पकौड़े खा लो, आप पकौड़े खा लो, आप आ जाओ खाने सब आ जाओ। तो आयुष की आवाज बहुत स्लो आ रही है, पता नहीं कैमरे में आ भी रही होगी नहीं आ रही होगी। यूवी उसने मिर्च के भी है, हाँ एक बार मिर्ची का खा के देखो, मिर्ची के खाओ, हाँ मिर्ची का खाओ, पकौड़े खाओ। ये नहीं है मिर्च वाला मम्मा, ये नहीं है मिर्च वाला, ये वाला है मिर्च वाला। यूवी अभी खाएगा मिर्च का पकौड़ा, खाओ खाएगा यूवी, खाओ खाओ खाओ, जल्दी फिनिश करो, वेरी गुड वेरी गुड, खाओ। अरे नहीं पहले खाओ, अच्छा मम्मा बना रही हैं, चलो फिर खाओ, ऐसे फोन गिर जाएगा, आप खाओ, खा के दिखाओ, मैं खा रहा हूँ बोलो, मैं खा रहा हूँ, वैसे खाओ खाओ कट करो, खाओ खाओ खाओ, वेरी गुड। ये यूवी ने सच में खा दिया मिर्च का पकौड़ा, ये आज खा के देख, खा के देख, खा तो एक बार खा तो सही, नहीं लगती ना मिर्च, उसके बाद मिर्च सब उसमें हो जाती, लगी आंसू आ गए आयुष के दोस्तों, ये देखो ये देखो ये देखो, अरे कहाँ है, मेरे को नहीं लग रहा तुम्हें, लगी ना यू भी, दिखाओ आंखें दिखाओ, बड़ी करके दिखाओ, हाँ वो भी डर जाएंगे। तो
बच्चों ने आज मतलब फर्स्ट टाइम मिर्ची का पकौड़ा, पकौड़े वाली मिर्ची खाई है। और क्या पकौड़े वाली मिर्ची खाई है और आई हंस रहा है, पता नहीं क्या क्यों हंस रहा है, मुझे भी नहीं पता है। यूँ भी थोड़ा सही से खाना, कहीं उल्टी उल्टी हो के डर लगती है ना। और तो बच्चे करेंगे अब थोड़ी देर पढ़ाई, स्कूल का होमवर्क होगा तो वो करना, बाकी आयुष को तो अपना कुछ प्रिंट भी करवाना है। आयुष क्या करवाना है प्रिंट, साइंस का? तो इसके बाद मैं इसे फोन लूँगी, उसको मेरे फ़ोन से कुछ प्रिंट आउट करवा के लाना है। और मैं दूँगी कपड़े, उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो कल मेरा ब्लॉग नहीं आया तो मैंने कहा चलो ब्लॉग नहीं बना रही तो मैं शॉर्ट्स बना देती हूँ। मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ पर मेरे कैमरे में ना वीडियो साफ नहीं आती मैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मैं लगाती हूँ रेड लिपस्टिक जब मैं साड़ी वगैरह कुछ पहनती हूँ, तो मैं यू भी मत करो ना, यू भी परेशान कर रहा है। तो मैं रेड वाली लिपस्टिक लगाती हूँ जो कि मतलब मुझे तो शीशे में रेड दिखती है बहुत। और जब मैं कैमरे में जब मैं शॉर्ट्स वगैरह जब बनाती हूँ, पता नहीं मेरे फ़ोन में एकदम से क्लियर क्यों नहीं आता। जैसे ये फेस है ना, मैंने तो अभी खाली लाइट सी लिपस्टिक लगाई है बस, कुछ भी खाली बिंदी सिंदूर कराया और कुछ नहीं। तो जैसे मैं जब मैं तैयार होती शॉर्ट्स बनाने के लिए, मतलब मैं हाँ साड़ी वगैरह पहनती हूँ और रेड लिपस्टिक जब मैं लगाती हूँ तो वो एकदम से क्लियर नहीं आती है, वो ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ मेकअप ही नहीं कर रखा है। पता नहीं शायद कैमरा ख़राब है, पर फ़ोन तो वैसे अच्छा है, फ़ोन कभी ख़राब भी नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों वीडियो साफ नहीं आती, थोड़ा लगता है बुरा कि यार मेकअप क्लियर क्यों नहीं आता। मेकअप मैं कुछ नहीं करती हूँ, एक खाली फेस पाउडर लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ मेकअप भी नहीं है मेकअप भी नहीं और प्लस मुझे मेकअप का ज़्यादा अंदाज भी नहीं है कि मेकअप कैसे स्टेप बाय स्टेप मेकअप होता है। तो इसलिए नॉर्मल से एक फेस पाउडर लगाती हूँ और आईलाइनर और आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक, बिंदी सिंदूर, बस इतना रहता है। लिपस्टिक में मैं सोचती हूँ चलो फोकस होगी, कैमरे में वीडियो में जब मैं शॉर्ट्स वगैरह कुछ बनाती हूँ तो वो आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों सिंपल सी बनी आती है मेरी वीडियो, मतलब शॉर्ट्स में भी पता नहीं क्यों। तो प्लीज़ लाइक करना मेरी वीडियोज को, मेरे शॉर्ट्स को, मेरे ब्लॉगों को लाइक करना और बताना कि कैसे शॉर्ट्स लगे मेरे, कैसा मेरा डांस लगता है आप लोगों को। मेरा डांस अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर भी करना। और ये और मैंने अपनी बातें आपके साथ शेयर करी हैं कि मेरा मेकअप, मतलब मुझे मेकअप वेकअप ज़्यादा आता नहीं है और मैं करती भी नहीं हूँ ज़्यादा, ऐसे सिंपल ही बनी रहती हूँ बस। और गर्मियों में तो जहाँ तक मैं बालों का जूड़ा ही कर देती हूँ, सीधे जुड़ा करा क्लेचर लगा दिया बस, सिंपल ही। मतलब ज़्यादातर औरतें ऐसी करती हूँ क्योंकि गर्म बहुत होता है ना गर्मियों में, तो जब मैं हाँ ब्लॉग व्लॉग बनाती हूँ तब थोड़ा बाल ऐसे कर लेती हूँ खुले, या डांस वांस शॉर्ट्स बनाती हूँ तो शॉर्ट्स में मुझे बहुत गर्मी हो जाती है, बाल खुले उले करना बहुत गर्मी हो जाती है। तो इसलिए हाँ अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए, क्योंकि आप अगर ये हैं हमारे युवराज पंत, अच्छा हमारे नहीं लड़ाई बिल्कुल नहीं, अभी पढ़ाई करोगे ठीक है, अभी मम्मा यूवी को होमवर्क कराएगी ठीक है। दो बुक्स में तो हो गया है, दो बुक्स में और बचा है, मम्मा आपको होमवर्क कराएगी, फिर आप होमवर्क करोगे ठीक है, करोगे ना कल नहीं करे। अच्छा आप पेपर भी तो लर्न भी तो करोगे, मैम ने कितना सारा सिलेबस दिया है लर्न करने को। तो इसकी राइम्स हिंदी में आठ, आई आठ नौ, हिंदी में नौ राइम्स आने वाली है जो ओरल में मतलब ये सुनाएंगे, और इंग्लिश में, इंग्लिश में भी नौ। तो अभी तक इसको कमी बहुत कम याद है जो कि मैं लर्न करवा रही हूँ अपनी तरफ से, पर एकदम से कर नहीं पा रहा क्योंकि अभी थोड़ा एकदम से हिंदी स्पष्ट पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि अभी तो पहली बार स्कूल गया है यूकेजी में लॉकडाउन में। तो हम सोच रहे थे स्कूल डालेंगे तो ऑनलाइन में क्या पढ़ेंगे बच्चे, जब वो स्कूल ही नहीं देखा है जिन बच्चों ने, वो बच्चे ऑनलाइन क्या पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए अब हमने इसको पहली बार जैसे स्कूल डाला है डायरेक्ट यूकेजी में, इसका टेस्ट वेस्ट हुआ तो यूकेजी में रख दिया था टीचरों ने। तो इसके बाद अब जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो एकदम से पढ़ नहीं पाता है, वैसे दो तीन लाइन्स हिंदी में याद है, बाकी एक आध तो इंग्लिश में, मतलब ज़्यादा याद नहीं है। मैं करवा रही हूँ अपनी तरफ से, कर ले तो अच्छा है, करोगे ना, करोगे ना। हाँ तो अगर जैसे ये अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगा अभी,
हफ्ते बाद में इनको लर्न करवाऊंगी, ठीक है? आप साइकिल नहीं चलाओगे? हाँ 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 ठीक है हाँ। अब यू भी साइकिल नहीं चलाएगा, सुबह से उठते ही सीधे साइकिल लेके भागा है ग्राउंड में, इसने साइकिल चलाई है ना। चलो, और आयुष ने टीवी देखी है पूरा एक घंटा, एक घंटे से भी ऊपर। आप बोल रहे? अच्छा यू भी कह रहा है मैं बोलूँ, बोलो। अच्छा ऐसी बोलो ना आप, चलो बोलो। हेलो गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया है, तो फिर मेरी मम्मी ना भाई ने, मेरे भाई ने मेरी बॉल पकड़ा है, उसको शौक है इतना, तो फिर हमारी टीवी लगी है, तो ना हमने नाश्ता कर लिया है। और अब यू भी भूल गया उसको क्या बोलना है। अब मैं पढ़ाई करूंगा तो फिर उसके बाद रन करूंगा, फिर साइकिल चलाऊंगा। नहीं, धूप में साइकिल नहीं चलाते, शाम को चलाओगे अब सीधी साइकिल? 6 बजे चलाऊंगा शाम को, बोलो। अभी धूप हो रही है, अभी धूप हो रही है, अभी काली धूप हो रही है, अभी तो थोड़ी थोड़ी से चलाऊंगा, तो फिर बाद में पूरी पूरी चलाऊंगा। पढ़ाई करूंगा तो फिर कभी सोऊंगा। हाँ चलो अब हो गया, लाइक करना, लाइक करना मेरी मम्मा के चैनल को, लाइक करना मेरी मम्मा को, मेरी मम्मा के चैनल, मेरी मम्मा के चैनल लाइक करना, शेयर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, प्लीज प्लीज, थैंक यू बाय। एक मिनट, तो दोस्तों अब मैं ब्लॉग ये प्री एंड करती हूँ, आपको अच्छा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, और स्किप करके मत देखना, इसको पूरा का पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, और अपना प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना, प्यारा कमेंट करना, एंड थैंक यू। और दोस्तों कभी मैं ऐसी ब्लॉग, मतलब कोशिश करूँगी अपनी तरफ से ब्लॉग बनाऊँ, मैं सोचती रोज़ की रोज़ अंदर के क्या बनाऊँ, आप लोगों को पसंद आए ना आए, और रोज़ की रोज़ बाहर जाना तो मेरा भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये ड्यूटी रहते हैं, तो मैं किस किस साथ जाऊँ बाहर, ऑटो में मुझे ज़्यादा मतलब ऐसे पसंद नहीं, अकेले जाना पसंद नहीं है मुझे कहीं, मतलब मेरा ये होता है अगर मैं जाऊँ तो इन्हीं के साथ जाऊँ, साथ में कंफर्टेबल भी रहता है, और सही से मतलब अपना बाइक में चली भी गई, बाइक में आ भी गए, तो ऑटो में कहाँ जाऊँ, अकेले कहाँ जाऊँ, बच्चे के घर के काम, तो इसलिए मैं ऐसे ही घर में बैठे बैठे ज़्यादातर ब्लॉग बना देती हूँ, छत में या घर में। और आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, प्लीज़ लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, एंड बाय, थैंक यू, बाय बाय।